आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मंसूरी, मंसूरी की सैर करने, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। सच में मंसूरी बहुत ही खूबसूरत जगह। ये अभी इस टाइम मैं आपको माल रोड का व्यू दिखा रहा हूँ, जो कि देखने में एक अलग ही लगता है, एक अलग ही खूबसूरती है मंसूरी की भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप मंसूरी कैसे जा सकते हैं। उससे पहले भाई वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल दुबे ब्लॉग्स को यार सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के और आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, अपना पर्सनल व्हीकल भी लेके आप जो है मंसूरी आ सकते हैं। बाय ट्रेन आएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगेगी। आप डायरेक्ट ट्रेन से देहरादून उतरिए और देहरादून से आप पर्वतीय डिपो बस पकड़िए, ठीक है। वहाँ से आप पर्वतीय डिपो बस पकड़ के सीधा मंसूरी जा सकते हैं। बस जो है वो सीधा मंसूरी उतारती है। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रोड है, रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। हरियाणा और दिल्ली से बहुत गाड़ियाँ आती हैं, खासकर सैटरडे संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, और उस दिन आपको पता ही है जो होटल्स वगैरह के रूम्स के चार्जेस होते हैं वो हाई कर दिए जाते हैं। तो ये देखिए पर्वतीय डिपो बस है जो कि हर एक घंटे में मंसूरी के लिए चलती है, हर एक घंटे मंसूरी से देहरादून आती भी है और देहरादून से मंसूरी जाती भी है, ठीक है। ये पर्वतीय डिपो अलग बना हुआ है जो सिर्फ मंसूरी वाले रूट पर चलता है और इसकी टिकट बहुत सस्ती है। और आप मंसूरी जाके आप वहाँ से कोई अपनी पर्सनल टैक्सी कर सकते हैं। होटल की बात करें तो आप ऑनलाइन होटल्स भी बुक कर सकते हैं, लेकिन जब सैटरडे संडे का रश का टाइम होता है तो होटल्स के जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो आप डायरेक्ट टैक्सी देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आप डायरेक्ट टैक्सी करके मंसूरी, कैंप टिफॉल वगैरह जितनी भी जगह है आप वहाँ से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सी करके भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ से बस सीधा मंसूरी के लिए जाएगी, जो कि मुश्किल से 2 घंटे का टाइम लेती है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तो 2 घंटे के अंदर आपको मंसूरी ड्रॉप कर देती है। और इस बीच जो व्यू है, जो मतलब पहाड़ों की जो खूबसूरती है, वो आप देख के आपका जो मन है वो एक बिल्कुल एक शांत हो जाएगा। इतनी अच्छी खूबसूरती और इतना अच्छा वातावरण है यहाँ मंसूरी का, और काफ़ी पर्यटक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से यहाँ पर आते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बाय अपने आप व्हीकल लेके आते हैं तो रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। होटल आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और यहाँ के अगर आप होटल ऑनलाइन बुक ऑफलाइन बुक करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है होटल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। अब देखिए मंसूरी पहुँचने के बाद अगर मैं टैक्सी की बात करूँ तो मंसूरी टैक्सी कार ओनर्स का एक एसोसिएशन है जो कि फिक्स प्राइस है, देखिए 2050 2250। इसमें मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहूँगा भाई, महंगे वाला टूर ना लें जो 4000 3000 का है, आप 2 से 3 जगह वाला ले, जो कि सबसे मेन कैंपटी फॉल है और दूसरा आता है संतुरा मंदिर, क्योंकि ये एक ही रूट पे लेके जाते हैं, एक ही रूट पे सारे छोटे छोटे टेंपल्स पड़ते हैं जो कि कुछ ज़्यादा देखने में खास नहीं है। जो सबसे ज़्यादा भीड़ और रश होती है वो सिर्फ कैंपटी फॉल पे ही होती है, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और सच में कैंपटी फॉल बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैंपटी फॉल के पीछे ही जो है कैंपटी लेक भी है, जहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप पेड हैं, जो आप पैसे देके कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मंसूरी का टैक्सी स्टैंड था, जहाँ से आप अपनी टैक्सी हायर करके और आप जो है मंसूरी के जो भी 4-5 मेन टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जो वहाँ पे आप बड़ी इजीली घूम सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगी। सबका फिक्स प्राइस है, कोई भी बार्गेनिंग नहीं, ये एसोसिएशन द्वारा फिक्स प्राइस किया गया ताकि पर्यटक को भी परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ का खाना पीना। खाना पीना माल रोड की तरफ थोड़ा कॉस्टली है, अगर आप माल रोड की साइड कुछ खाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। बाकी अगर आप जैसे वहाँ पे भी काफ़ी सारे ठेले और रेडी वाले होते हैं तो उनसे अगर आप खाएंगे तो वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ पैकेज जो आप अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो कैंपटी फॉल और सरपुता मंदिर और एक दो जगह का और करिएगा, जो कि 2200 या 2300 रुपये उसका प्राइस है। आप 5 या 6 हज़ार रुपये की मतलब ज़्यादा जगह घूमने के चक्कर मत पड़िएगा। एक ही रोड और पहाड़ों पर छोटे छोटे टेम्पल्स बने हैं, जो कि मतलब यहाँ पर बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं और ये बहुत दूर भी है, जिससे आपका सिर्फ खाली जो है आप बोर हो जाएंगे। देखिए एक ये श्री महासू देवता मंदिर है, ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा है, मतलब मंदिर देखने में। आप यहाँ भी आ सकते हैं, ये 3000 वाले पैकेज में जो है वो टैक्सी वाले ऐड करके देते हैं, ठीक है। और भी भाई अगर आप मंसूरी से जुड़ी कोई भी जानकारी मुझसे पूछना चाहते हैं, हाँ मंसूरी में मैं एक होटल सजेस्ट करूँगा, होटल सरताज, जिनका खाना बहुत ही टेस्टी है और होटल से बहुत ही सस्ता इनका खाना है, जो कि ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं और बिल्कुल घर वाला टेस्ट आता है होटल सरताज, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। अब आ जाते हैं, देखिए मंसूरी जो कैंपटी लेक में आपको बता रहा था, एंट्री फीस है 100 रुपये, जिसमें आपको फ्री बोटिंग वगैरह मिलती है। बाकी और कुछ अगर आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसके आपको अलग से पेड पैसे
देने पड़ते हैं, जैसे वाटर बलूनिंग और भी कई तरह की चीज़ें हैं, उसके आपको अलग से पेड पैसे देने पड़ते हैं। बाकी 100 रुपये जो है इसकी एंट्री फीस होती है, जिसमें आपको वोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपको फ्री मिलती है। ये देखिए यहाँ पे रेट लिखे हैं, मैंने आपको रेट दिखा रखा है, ठीक है। कैंपटी फॉल से अब हम यहाँ से घूमने के बाद ऊपर जब हम गए तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मतलब पुलिस वाले भी थे, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम था, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग कैंपटी फॉल के नीचे वाले झरने पे आके हम लोगों ने भाई नहा लिया, ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसलिए हम लोग ज़्यादा ऊपर, वहाँ से हम लोग रिटर्न आ गए। अब कैंपटी फॉल से क्या होता है, मंसूरी आ जाइए, मंसूरी जो माल रोड है उसी के बिल्कुल जस्ट नीचे आपको जो है पर्वतीय डिपो मिलेगा, जो बस आपको लाके देहरादून छोड़ देती है, और देहरादून से फिर आप बाय ट्रेन, आप सभी महानगर से आपको पता है ट्रेन है, देहरादून से सारी ट्रेनें सारे बड़े महानगरों से जुड़ी हुई हैं, तो आप दिल्ली मुंबई या आप कहीं से भी आते हैं तो आप डायरेक्ट देहरादून ईजिली पहुँच सकते हैं, ठीक है। वाटर बलूनिंग वगैरह अगर आपको करना है तो ये पेड सर्विस होती है। और बाकी मैंने काफ़ी पर्यटकों को देखा था कि मतलब जिन्होंने होटल्स बुक नहीं किए हुए थे तो उन्हें रूम लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस टाइम रूम फुल थे और रूम अवेलेबल नहीं थे, और जिन पे थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। और अब बात करते हैं लास्ट में जो आता है हमारा, उसी रोड पर पड़ता है संतुरा माता का भव्य दर्शन। ये मंदिर सच में बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ की चोटी पे बना हुआ, जिससे आपको इतना प्यारा व्यू, पूरा ऊपर से आपको इतना प्यारा व्यू दिखाई देता है कि आप सच में आपका नीचे आने का मन ही नहीं करेगा, इतना भव्य मंदिर है। अगर आप आते हैं मंसूरी तो संतुरा माता मंदिर भाई ज़रूर जाइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई दिक्कत आए कॉमेंट करिए, कुछ पूछना हो तो कॉमेंट करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए।